क्या मैं उनसे? रात भर घर से बाहर रहने का क्या जवाब दूंगी मैं? ये भी नहीं बता सकती कि बाबा के साथ हॉस्पिटल में थी, और झूठ भी नहीं बोल सकती हूं मैं। हो सकता है कि वो अभी तक जाके ही नहीं, मगर सो भी रहे होंगे तो इतना तो जानते ही होंगे कि मैं रात को वापस नहीं आई। ठीक है, इतना सोच के परेशान होने से बेहतर है कि अंदर जाकर सामना कर लिया जाए। ये तो घर पर ही नहीं है, ले जाने का तो कहा था लेकिन ये तो बताया ही नहीं था कि आएंगे ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी ना आया हो रात भर? कहां गई थी तुम? तुम रात भर कहां थी रियान? तुमसे एक सीधा सा सवाल किया है मैंने, तुमने पूरी रात कहां गुजारी है? काश कि मैं बता सकती। आपके बाबा बीमार हैं, हॉस्पिटल चले जाएं, उन्हें आपकी जरूरत है, उनके साथ वक्त गुजारें, जल्दी करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। काश आपसे कह सकती। आखिर खामोश क्यों हो रियान? क्यों गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे? जवाब दो। इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो तुम यार? बोलो। ऐसे जानबूझकर कर रही हो ना? अब क्या मकसद है तुम्हारा? मैं जानती हूं कि ये आपके साथ नाइंसाफी है, लेकिन आपके बाबा, उन्होंने मुझसे वादा लिया है। वो आपको बताने से डरते हैं आमिर, और मैं बता नहीं सकती हूँ अपने वादे की वजह से। मैं वो वादा तोड़ ही नहीं सकती हूँ, जबकि मुझ में एक आवाज है जो कहती है कि मैं बता दूँ, क्योंकि ये आपका हक है। तो तुम नहीं बताओगी? हेलो, नहीं नहीं सो नहीं रहा था मैं। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, बताया ना कि सो नहीं रहा था मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से कैंसिल नहीं हुआ ना? हाँ तो बस ठीक है, फिर पेमेंट रिफंड करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, मैं अब तक तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। पूरी रात कहां पर थी तुम? आ जाएं। सुबह बखैर। जहमत तो नहीं दी ना मैंने? अस्तग़फ़िरुल्लाह मलिक आपा, कुछ चाहिए आपको? वो मैं कॉरिडोर में थी बाहर, अचानक तुम्हारी आवाज सुनी तो अंदर आ गई मैं। इस मामले की वजाहत करनी थी कुछ मुझे। मामले की वजाहत मतलब? मुकद्दर खाला की एक रिश्तेदार फातिमा है ना? हाँ है। रियान वहां थी रात भर। रियान ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मैं भूल गई। मेरी वजह से ऐसी गलतफहमी पैदा हुई, मैं माफी चाहती हूँ।
नहीं आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? है क्योंकि तुम्हें बिलावजह की बातें सुननी पड़ी। बस मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, चलती हूँ, बहुत काम पड़े हैं, माफ करना मुझे। ऐसे मत कहिए, मैं लेकर आपा।